माय चैनल घर की रसोई बाय दीपिका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रतलामी से। रतलामी से करें जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है वो है बेसन, लौंग का पाउडर या क्लॉफ पाउडर, हमारी लौंगी मिर्च या पीली से भूरी मिर्च भी हम कहते हैं, ये थोड़ी तीखी होती है एज कम्पेरिजन टू हमारी रेड चिली। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसकी जगह रेड भी यूज कर सकते हैं, हमारी तीखे वाली होती है। साथ में जाएगा ज्वाइन, हींग, हल्दी, ऑयल, ये हमारा रिफाइंड ऑयल है, मूंगफली का तेल है, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, काली मिर्च, नमक और पानी। आज जो हम अपनी रतलामी से बनाएंगे वो हम बनाएंगे अपने झारे से। हमारा झारा है ये हलवाई वाला झारा होता है। सबसे पहले हम लगाएंगे अपना डो। डो लगाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे बेसन, ये राजधानी का बेसन, आप कोई भी बेसन ले सकते हैं। साथ में जाएगी अजवाइन, अजवाइन को आपको हमेशा क्रश करके डालना है जिससे उसका फ्लेवर अच्छे से आए। साथ में हम डालेंगे हींग, ये हमने डाली थी हल्दी, सॉरी, अब हींग, हमारी लौंगी मिर्च, क्लॉफ पाउडर, काली मिर्च, नमक, एक बार हम मिक्स करेंगे अच्छे से। रतलामी सेव हमारी थोड़ी ज्यादा तीखे वाली होती है, अगर आपको इसका तीखापन कम करना है तो आप ये मिर्च कम उसमें ले सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम ऑयल, इसमें कोई भी चीज हमने गर्म नहीं यूज किया, सब रूम टेम्परेचर पे है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। जब आपको झारे से वर्क करना है तो आप इसको प्रॉपर डो में नहीं बनाएंगे, इस स्टेज पे हमारे ये मिला दिया हमने अच्छे से, इसको हम यहाँ रखेंगे। इस पे आप हल्का सा पानी का हाथ लगा के छोड़ देंगे। अब हम कर रहे हैं अपना तेल को गरम, इतने हमारा तेल गरम हो रहा है, हम इसको एक कपड़े से ढक के रख देंगे गीले। आपको जब भी झारे से वर्क करना है उसका एक तरीका होता है, आप थोड़ा सा आटा लेंगे, साथ में आप रखेंगे पानी का बाउल, पानी के बाउल से आप इसको ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे, इससे इसमें एयर जनरेट होती है, आपकी जो सेव है या गाठिया है कुछ भी बना रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनती है और अंदर से बिल्कुल फोकी, जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट होती है। और ये आप बनाएंगे हमेशा हाई फ्लेम पे। हमारा तेल हो गया, ये मैंने आपको बताया था, आपको ऐसे पानी का हाथ लेके इसको अच्छे से ऐसे ऐसे मिक्स करना है जस्ट, और फिर इसको हरा लेंगे, झारे को कढ़ाई से ऊपर रखना है, और आपको ये अपने पाम से, जो पाम होता है उसकी हेल्प से ऐसे आपको अपने सारे ये डालने हैं से। उसके बाद आप पानी का हाथ लगा के इसको ऐसे साफ करके, ये मेरा 4 नंबर का झारा है, बबल जब हमारे खत्म हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे हल्का सा कलर चेंज होने के बाद। काफी बड़ा झारा है जो काफी बड़ी कढ़ाई पे यूज होता है, ऐसे में छोटे झारे भी आते हैं, ये 4 नंबर झारा है, आप उनसे कह के छोटे झारे बनवा सकते हैं, नहीं तो आप जो मैंने जिससे मैंने गाठिया बनाया था उसी मशीन से भी इसको बना सकते हैं। झारे में आपका ये होता है कि आपका थोड़ा जल्दी वर्क होता है फटाफट, अगर आपको ऑर्डर्स पे बनाने हैं, किसी को गिफ्ट करने हैं या आपको जो ज्यादा क्वांटिटी बनानी है तो आप झारे का यूज करें। ये हमारी होगी है तो हम निकालेंगे बर्तन में। अगर आपको झारा नहीं है, हमारे पास ऐसे तलने वाली वो होती है जिनमें छेद होता है, आप इनमें से भी ये सेव निकाल सकते हैं। ये हमारी सेव बन के रेडी है, मैं एक बार और आपको दिखाती हूँ कैसे हमारा वर्क होगा। जितना हमने लेना है उसको लिया, पानी का हाथ लगाया, बाकी को आप हमेशा डैम्प क्लोथ से ढके रखेंगे, इसमें एयर जनरेट की और पानी का हाथ से आप इसको साफ कर दीजिए। ये हमारी सारी सेव तैयार है, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेसिपीज। थैंक यू।